गाइस आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेरे से सिर्फ एक ही बात बोलोगे, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। गाइस आज की जो हमारी पहली वाली ट्रिक होने वाली है, इसको आप क्लासिक या रैंक्ड किसी में भी यूज कर सकते हो। ये ट्रिक के थ्रू आप अपने फ्रेंड को परेशान कर सकते हो, मतलब उसके साथ मस्ती करने के लिए ये यूज कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे आपका फ्रेंड कोई लॉन्च पैड से जाना चाहता है, आप उसको रोक सकते हो ऐसे लॉन्च पैड के सामने जाके। अगर आप लोग ऐसे चढ़ जाओगे तो आपका फ्रेंड नहीं जा पाएगा, तब तक आप नहीं हटोगे वो नहीं जा सकता, तो वो परेशान हो जाएगा। ये आप लोग मस्ती के लिए यूज़ कर सकते हो यार। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और आप में से कौन ये ट्रिक यूज़ करने वाला है गेम में मेरे को ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। गाइस जो हमारी सेकंड नंबर ट्रिक है वो एक फनी ग्लिच है। इसको यूज करने के लिए आपको अपना रैंक या क्लासिक कोई भी मैच को स्टार्ट कर देना है, एंड उसके बाद में आपको हंगर के ये टावर पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपल प्रोन करना है। वैसे यहाँ पे प्रोन थोड़ा होगा नहीं, अगर आप एक बार में करोगे तो मतलब थोड़ा सही जगह पर आके ही प्रोन हो सकता है। इधर लिखा आता है मतलब लेटा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने हिंदी में करके रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार आप कोशिश करोगे तो प्रोन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोन हो चुका है। उसके बाद में आपको करना है क्या है, थोड़ा इधर उधर इसको कैरेक्टर को मूव करना है। आप ऐसे ही कैरेक्टर को मूव करोगे तो आपके साथ एक ग्लिच हो जाएगा, आपके पैर ऊपर, आपका मतलब सर इसके अंदर घुस जाएगा। और आप अगर स्कोप को ऊपर की तरफ करोगे, मतलब मैं यहाँ पे अभी आपको करके दिखाता हूँ, स्कोप को नीचे की कर रहा हूँ तो मेरा मुंह नीचे है, और अगर स्कोप को करूँगा मैं ऊपर तो मेरे पैर नीचे घुस जाएंगे और मेरा मुंह ऊपर। थोड़ा अजीब दिख रहा है ना, ये क्या है? आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लेस होगा क्लॉक टावर, और फ्री फायर के अंदर क्लॉक टावर कितना ज़्यादा फेमस है वो आपको भी पता है। और ये हॉट ड्रॉप भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं, मतलब लैंड करते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रस होता है। लेकिन इसके अंदर एक ग्लिच है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेनेड अगर आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपको कोई डैमेज ही नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे आप स्टन भी कर देते हो तो आपको, आप अंधे नहीं होगे, देख सकते हो यहाँ पे, बस वो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हुआ। वैसे आपको पता होगा स्टन का टाइमिंग कितना होता है। ये एक ग्लिच है जो कि आपको शायद ही पहले पता होगा। सो आपको ये ग्लिच कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। गाइस सबसे पहले आपको ये वाली पैलेस पे आ जाना है। इस पैलेस का नाम आप टाइम स्टेप देख के वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, जिन बंदों को नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। ओके, सो आपको पहले कुछ इस तरह से ग्लू वॉल को लगा देना है। ओके, अगर आप थोड़ा भी मिस करोगे तो आपका ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, ये बात को याद रखना। एंड लॉन्च पैड को थोड़ा इस तरह सेट करके लॉन्च कर देना है। आप इस ग्लू वॉल से रुक जाओगे एंड यहाँ पे अपना रैंक पुश कर सकते हो, एंड ये आपको रैंक मैच में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है ट्रिक। एंड यहाँ से आप बंदे मार सकते हो यार। वैसे यूज़ करना यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, बट इस तरह से आप यहाँ आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग गेम में यूज़ करना, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। गाइस हमारी जो आज की सबसे ओपी वाली यानी कि लास्ट ट्रिक होने वाली है, सो ये ट्रेनिंग ग्राउंड में होने वाली है। आपको सेम पैलेस पे लाके अपना फ्रेंड को खड़ा कर देना है, एंड सर्वो ऑन करके उसके ऊपर जंप कर देना है, अपना गेम मिनिमाइज करना है। जैसे ही आप गेम मिनिमाइज करोगे तो आप ऐसा सीन हो जाएगा, ये वाला ग्लिच वर्क करने लग जाएगा एंड आप ऊपर की तरफ जाने लग जाओगे। गाइस अब आप लोग बोलोगे कि आपने मिनिमाइज नहीं किया था, तो मैं आपको बता दूं मेरा आईफोन है, इसके अंदर मिनिमाइज नहीं करोगे मतलब पैनल को ओपन कर लोगे ऊपर का, तो वो भी मिनिमाइज का ही काम होता है आईफोन के अंदर। अगर आपके पास आईफोन है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज एंड्रॉयड है तो आप लोग अपना गेम मिनिमाइज करोगे, एक से दो सेकंड के लिए करना है सिर्फ आपको, आप लोग ऐसे करोगे मतलब ऊपर जाने लग जाओगे। सेम लोकेशन रखोगे तो इसका ये फायदा होगा, आप यहाँ से सीधा इस एयरशिप के ऊपर जंप कर सकते हो और यहाँ पे अपना मजा कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, एंड
आपको अच्छा व्यू भी मिलने वाला है, यहाँ पे फाइट भी कर सकते हो, लेकिन बॉक्स ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। मैंने गॉर्डन को बोला था कि भाई इसको लीव कर दे सर बोर्ड को, लेकिन बहुत देर तक नहीं किया भाई ने। क्या कर सकते हैं भाई कुछ नहीं कर सकते भाई